हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी प्राइमरी बाल स्कूल में पिछले कई दिनों से पीने के लिए पानी की भारी किल्लत आ रही है। आजकल गर्मियों का मौसम है, उसमें भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। स्कूल के बच्चों को पीने के पानी के लिए स्कूल से बाहर जाना पड़ रहा है। इस प्राइमरी स्कूल में लगभग 75 बच्चे पढ़ने आते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी प्राइमरी स्कूल बाल में पिछले कई दिनों से पीने के पानी की भारी किल्लत आ रही है। आजकल गर्मियों का मौसम है, उसमें भी पीने का पानी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नहीं मिल रहा है। स्कूल के बच्चों को पीने के पानी के लिए स्कूल से बाहर जाना पड़ रहा है। ज्वालामुखी में हर साल गर्मियों के दिनों में बहुत गर्मी पड़ती है। इस प्राइमरी स्कूल ज्वालामुखी में लगभग 75 बच्चे पढ़ने आते हैं। सीएसटी प्राइमरी स्कूल ज्वालामुखी रजनी शर्मा ने बताया कि हमारी प्राइमरी स्कूल में 3-4 दिनों से पीने के पानी की समस्या बढ़ी हुई है। स्कूल में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पानी की बहुत जरूरत होती है। आज तो खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं था, जिस कारण हमें पानी बाहर से ही मंगवाना पड़ा और बच्चों को भी वे पानी पिलाया। उन्होंने कहा कि हमने आईपीएच विभाग से गुजारिश की है कि स्कूल में हर रोज पानी की सप्लाई छोड़ी जाए, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं सीएसटी रजनी शर्मा जीपीएस बॉय ज्वालामुखी से बोल रही हूँ। हमारे स्कूल में 3-4 दिन से पानी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पानी नहीं आ रहे, बच्चे छोटे छोटे हैं हमारे पास, उनको पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। तो आज तो वैसे खाना बनाने के लिए हमारे पास पानी नहीं रहा, जिस कारण पानी हमें बाहर से ही मंगवाना पड़ा और बच्चों को भी पिलाना पड़ा। इसलिए आईपीएच डिपार्टमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि स्कूल में पानी रोज देना चाहिए इनको, ताकि बच्चों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आजकल ज्वालामुखी में तो वैसे ही बहुत गर्मी पड़ती है, तो गर्मी के दिनों में पानी नहीं आएगा तो फिर कब पानी आएगा हमारी पाठशाला में। धन्यवाद। प्राइमरी स्कूल के छात्र ने कहा कि हमारे स्कूल में 2-3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। पानी की कमी से हमें बाहर से पानी लेने जाना पड़ रहा है। पानी की कमी से हमें तंगी हो रही है। प्राइमरी स्कूल के एक छात्र वंश ने बताया कि मैं प्राइमरी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ता हूं। हमारे स्कूल में 3-4 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें पानी के लिए स्कूल से बाहर जाना पड़ रहा है। स्कूल के छात्र ने बताया कि मैं 4th कक्षा में पढ़ता हूं और 3 दिन से हमारे स्कूल में पानी नहीं आ रहा है और जिस कारण हमें बड़ी परेशानी हो रही है। स्कूल के छात्र ओमकार ने बताया कि मैं प्राइमरी स्कूल में 3री कक्षा में पढ़ता हूं। हमें 3 दिनों से थोड़ा सा भी पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। पानी लेने के लिए हमें स्कूल से बाहर जाना पड़ रहा है और हमें बहुत परेशानी हो रही है। मैं प्राइमरी कक्षा में पढ़ता हूं। हमारे स्कूल में 2-3 दिनों से पानी नहीं मिल रहा, पानी की कमी से हम बाहर जाके पानी ले रहे हैं, पानी की कमी से हमको तंग हो रहा है। मैं प्राइमरी कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ। हमें 3 दिन से थोड़ा सा भी पानी नहीं मिल रहा है और एक बूंद भी नहीं मिल रहा है, और हम पर पानी के वजह से बाहर जा रहे हैं और हमें परेशानी मिल रही है। मेरा नाम वंश है, मैं प्राइमरी बीन में पढ़ता हूँ और मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ, और हमें 3-4 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। 3 दिनों में पानी नहीं मिला, एक भी बूंद पानी नहीं मिला, हम बाहर जा रहे हैं, इसलिए परेशानियाँ हो रही है।